नमस्कार। इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संदर्भ में। दोस्तों, बहुत से मित्रों ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया और मेरी पिछली कुछ वीडियोस में ये जानना चाहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इस वर्ष से स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन में लागू हो रही है उसका स्वरूप क्या है। बहुत से अभिभावक, बहुत से विद्यार्थी और अन्य लोगों की ये जिज्ञासा थी। हालांकि मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर पर कई सारी कार्यशालाएं और अन्य माध्यमों से यह जानकारी दी जा रही है कि वर्ष 2020 में बनी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाएगा। इतिहास विमर्श में पूर्व में प्रसारित कुछ वीडियोस में इसके संदर्भ में कुछ पक्षों को रखा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन इस वर्ष मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। अब पाठ्यक्रम के साथ साथ परीक्षा प्रणाली, प्रश्न पत्र का स्वरूप, मूल्यांकन पद्धति आदि बहुत से परिवर्तन आपको इस पद्धति में, इस शिक्षा प्रणाली में दिखाई देंगे। इस वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के लिए सभी संकायों में यह योजना लागू की गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है, इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं, ऐसे तमाम जो प्रश्न हैं वे यक्ष प्रश्न की तरह स्वाभाविक भी है क्योंकि नई चीज है, हम सबके सामने है। मैंने भी कुछ अध्ययन किया, कुछ कार्यशालाओं में भाग लिया, उसके आधार पर मैं कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से इतिहास विमर्श में आपको देना चाहूंगा। निवेदन आपसे यही है कि आप इसे पूरी गंभीरता से देखें और इसे फॉलो करें। अगर जानकारी आपके समझ में आ रही है और आपके और मित्र भी नई शिक्षा नीति के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया आप इस जानकारी को उनके साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिलेगी तो उसका फ़ायदा भी बहुतों को होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष कोविड के कारण जो इंटर का रिजल्ट है वो 100% रहा है और 100% रहने के कारण अधिकांश बच्चे स्नातक में प्रवेश लेना चाहते हैं यूजी कक्षाओं में। तो सभी के लिए ये उपयोगी सूचना है। आपसे निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर, जिसको आप इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बहुतों की जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत किया जा सके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन इस वर्ष यूजी कक्षाओं के लिए किस प्रकार किया जाएगा। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य में शोध ज्ञान फाउंडेशन की स्थापना भी अब जल्द की जाएगी। उच्च शिक्षा को जीवन उपयोगी, दायित्व बोध कराने वाली एवं देश को विकसित व सुपर पावर बनने में मदद करने वाली होना चाहिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन्हीं सब बातों को प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुकूल कौशल उन्नयन व रोजगार उन्मुखी बनाया गया है। इस वर्ष अर्थात शिक्षा सत्र 2021-22 में जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन में दाखिला लेंगे वे इस नवीन शिक्षा नीति के मानदंडों के आधार पर ही उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में विद्यार्थी को सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा और स्नातक तृतीय वर्ष में डिग्री दी जाएगी। स्नातक चतुर्थ वर्ष में
बैचलर विथ रिसर्च के साथ ऑनर्स की उपाधि मिल सकेगी। स्नातक में प्रत्येक वर्ष के लिए 40 क्रेडिट अंकों का निर्धारण किया गया है। इस तरह स्नातक 4 वर्षीय पाठ्यक्रम 160 क्रेडिट अंकों का होगा। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अर्थात CVCS भी लागू रहेगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से स्नातक कक्षाओं में जो मुख्य बदलाव होंगे वे इस प्रकार हैं। अब एक वोकेशनल कोर्स अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रम और अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम के साथ ही इंटर्नशिप या फील्ड प्रोजेक्ट या अप्रेंटिसशिप स्नातक के विद्यार्थियों को लेना होगा। 3 वर्ष में स्नातक की डिग्री और 4th वर्ष बैचलर विथ रिसर्च की उपाधि के साथ CVCS लागू रहेगा और भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश, शोध प्रविधि एवं स्नातक शोध प्रबंध और प्रत्येक विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम का अवसर दिया जाएगा। विगत दिनों मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश के महाविद्यालयों में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। यह जॉब ओरिएंटेड होंगे। अब 1 साल का हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। NEP के अंतर्गत स्नातक के 4th वर्ष में यदि विद्यार्थी ग्रेजुएशन विथ रिसर्च की ऑनर्स उपाधि के लिए अध्ययन करता है तो ऐसे विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल में पूरा किया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू होने के साथ ही विद्यार्थियों को 1 वर्ष के बाद कॉलेज बदलने की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही विद्यार्थी का क्रेडिट भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब विद्यार्थी के पास ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी होगी। आइए अब जान लेते हैं क्या है क्रेडिट सिस्टम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अकादमिक संरचना अर्थात विषयवार क्रेडिट प्रणाली इस प्रकार रहेगी। मुख्य विषय अर्थात मेजर सब्जेक्ट के लिए 54 क्रेडिट पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। गौण विषय अर्थात माइनर सब्जेक्ट के लिए 28 क्रेडिट पॉइंट, वैकल्पिक विषय अर्थात जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए 18 क्रेडिट पॉइंट, कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम अर्थात वोकेशनल कोर्स के लिए 12 क्रेडिट पॉइंट्स, आधार पाठ्यक्रम अर्थात फाउंडेशन कोर्स के लिए 24 क्रेडिट पॉइंट्स और इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप व कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए 24 क्रेडिट पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। इस तरह स्नातक की 4 वर्ष की यह प्रक्रिया कुल 160 क्रेडिट पॉइंट्सों के आधार पर निर्धारित की गई है। मल्टीपल एंट्री व मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में 1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स पर 40 क्रेडिट पॉइंट्स, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा कोर्स पर 80 क्रेडिट पॉइंट्स, थर्ड ईयर में डिग्री कोर्स पर 120 क्रेडिट पॉइंट्स और बैचलर विथ रिसर्च कोर्स पर 160 क्रेडिट पॉइंट्स निर्धारित किए गए हैं। इस शिक्षा सत्र से विद्यार्थियों को मार्क्स क्रेडिट प्रणाली के अनुसार ही मिलेंगे। अब विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष सफल होने के लिए 40 क्रेडिट पॉइंट्स अर्जित करने होंगे जो अनिवार्य है। आइए अब जानते हैं कैसा रहेगा प्रश्न पत्र का स्वरूप। अब प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला अति लघु उत्तरी प्रश्न, यह 1 लाइन के होंगे। इसमें कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न का अंक 3
निर्धारित किया गया है। इस तरह अति लघु उत्तरी प्रश्न 9 अंकों के होंगे। दूसरा, लघु उत्तरी प्रश्न। इन प्रश्नों को 50 से 100 शब्दों में लिखा जा सकेगा। अति लघु उत्तरी प्रश्न 4 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक 9 निर्धारित किया गया है। इस तरह लघु उत्तरी प्रश्न 36 अंकों के होंगे। तीसरा है दीर्घ उत्तरी या निबंधात्मक प्रश्न। यह 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को 15 अंकों का निर्धारित किया गया है। इस प्रकार दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब वार्षिक परीक्षा पहले की तरह 3 घंटे के स्थान पर 2 घंटे की होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो इतिहास विमर्श की इसी YouTube चैनल पर पूर्व में प्रसारित एपिसोड महाविद्यालय में नवीन प्रवेश 2021-22, इस वर्ष मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति होगी लागू, नवीन प्रवेशित छात्रों को मिलेगा लाभ और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा ई प्रवेश 2021-22 ई प्रवेश पोर्टल पर कैसे करें विषय चयन देखकर आप आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे खुशी है कि इतिहास विमर्श नामक इस YouTube चैनल पर प्रसारित जानकारियों के प्रति आप सभी का प्यार और विश्वास बढ़ रहा है। आप सभी का यही स्नेह हमें विभिन्न जानकारियां आप तक पहुंचाने में हमारा संबल बनती है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है उससे आप निश्चित संतुष्ट हुए होंगे। यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इतिहास विमर्श पर समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां इसी प्रकार दी जाती रही हैं और आगे भी दी जाती रहेंगी। अगले कुछ वीडियोस में हम जो परिवर्तित सिलेबस है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो वैकल्पिक विषयों के संदर्भ में जेनेरिक विषय जो बताए गए हैं उनमें क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वोकेशनल कोर्स में हम क्या करेंगे, इस तरह की तमाम सारी चर्चाओं को हम इतिहास विमर्श में समय समय पर लेके आएंगे। कुछ विद्वानों से चर्चा भी करेंगे जिससे नए छात्रों के लिए कुछ मार्गदर्शन मिल सके। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और उस पर ऑल का बटन जो है उसको पुश करें जिससे सभी जानकारियां सबसे पहले जो नोटिफिकेशन हैं वो आपके पास आए और आप उन जानकारियों को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकें। तो निवेदन यही कि आप इस इतिहास विमर्श पर दी जा रही जो जानकारियां हैं उनको अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। आप इतिहास विमर्श को इसी प्रकार देखते रहें, अपना विश्वास और स्नेह बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।